एक्सरसाइज पढ़ना है 3.4, क्या पढ़ना है 3.4। 3.4 में हमारा एक विधि पढ़ना है, विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब यहाँ पे ये विलोपन विधि क्या होता है समझोगे? विलोपन विधि, विधि का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। किस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। जैसे कि कहा जाता है कि जो गिद्ध होता था, गिद्ध होता था ना, गिद्ध एक समय था कि बहुत हुआ करता था। अब गिद्ध तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी विलुप्त हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। एक समय होता होगा कभी डायनासोर हुआ करते थे, अभी तो नहीं है ना, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो कुछ ऐसी प्रजातियां, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो क्या होता है, विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उसी तरीके से, यानी कि इसमें भी हम किसी एक को खत्म करेंगे, किसी एक को खत्म करेंगे। अब या तो एक्स के वैल्यू को खत्म करेंगे या वाई के वैल्यू को खत्म करेंगे, किसी एक को खत्म कर देंगे, यानी कि विलुप्त कर देंगे। मतलब ये सपोज यहां पर लिखा है 2x + 3y 5 और 3x - 3y बराबर 7। तो यहां देखो ये विलुप्त हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? विलुप्त हो जा रहा है ना। क्यों ऐसे विलुप्त हो रहा है? देखो मतलब तुमने पढ़ा होगा कि +3 - 3 क्या होता है, खत्म हो जाता है। -3 - 3 क्या होता है, -6 हो जाता है। +3 और +3 कितना होता है, 6 हो जाता है। 3 + 3 क्या होता है, 6 हो जाता है। यानी देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब प्लस में, ठीक है। यानी कि अगर सेम साइन है ठीक है, सेम साइन है तो ये आपसे क्या होगा, सेम साइन है अगर तो ये नहीं कटेगा, और ये सेम साइन है तो नहीं कटेगा, सेम साइन है तो नहीं कटेगा। लेकिन ये डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है? तो अगर एक केस तो ये दिख रहा है हमको कि बराबर हमको करना पड़ेगा। अगर बराबर है, बराबर है तो साइन देखना पड़ेगा। अगर साइन डिफरेंट है यानी कि तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अगर साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसको अगर साइन सेम है तो साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोग को, साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे? यहां पे अगर सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, समीकरण 2x - 3y = 5, ठीक। अगर हम इसको इधर खींच ले, इधर, तो 2x - 3y - 5 में अगर इस वाले समीकरण को अगर जोड़ रहे हैं +3x - 3y और ये इधर प्लस में जाकर माइनस होगा 7, ठीक है। कुछ चेंज हुआ, जो पहले ये प्लस में था यहां पे प्लस में है, माइनस में था माइनस में है, ये साइन चेंज कर इधर माइनस में आता तो माइनस में है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग तभी होगा जब समीकरण को एक समीकरण से दूसरे समीकरण को हटाएंगे। मतलब देखना है आप क्या करें, मतलब यहां पर 2x - 3y - 5 में से ये पूरे समीकरण को हटाना है, ठीक है। मतलब 3x - 3y - 7 यानी पूरे समीकरण को घटाना है, ठीक है। देखो अगर घटाना तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x + 3y - 5 ये +3x - -3y - 7। अब देखो क्या, तो अगर हम घटा रहे हैं तो जो प्लस में था वो क्या हो रहा है, माइनस में। जो माइनस में था हो रहा है प्लस में, जो प्लस में माइनस में घटा रहा है प्लस में। तो अगर समीकरण में इक्वेशन बराबर है, मतलब नंबर बराबर है, तो साइन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो जोड़ करके हम लोग साइन चेंज नहीं कर सकते हैं, घटा करके हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं। इसको लिखना पड़ेगा समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने, घटाएंगे तभी साइन चेंज हो रहा है ना, प्लस वाले पे नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, अरे घटाना ही है ना, कुछ नहीं दिक्कत। अगर साइन अगर डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो देखो, तो साइन डिफरेंट अगर है तो बदलने की जरूरत नहीं है, साइन अगर डिफरेंट है तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, कब करेंगे, प्लस। अगर साइन सेम है तो करेंगे प्लस, समीकरण एक को
समीकरण दो से जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ने पर, ठीक है। तो अगर साइन यहां पे देखो, साइन अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, क्या अलग अलग है तो जोड़ेंगे। अगर साइन एक जैसा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने। बात समझ में आई, बात समझ में। अगर साइन एक जैसा है तो घटाएंगे, साइन एक जैसा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और साइन डिफरेंट है तो जोड़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमने लिखा 5x प्लस 3y इक्वल टू 7, यहां पे लिखा 9x माइनस 3y बराबर 9। इस केस में देखो, हम ये जरूर है कि हम पीछे वाले को बराबर करेंगे, इसको भी हम लोग बराबर कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, बस ये देखना है कट कहां रहा है, बराबर कहां है। अगर बराबर नहीं है तो अपने मन से बराबर करना पड़ेगा, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। तो पहले एक पोर्शन को समझिए, ये देखिएगा यहां पे साइन देखिए तो डिफरेंट है, अगर डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ने पर। बात समझ में आ रहा है, अगर यही रहता है यहां पे 9x प्लस 5y इक्वल टू 10, और यहां रहता 7x प्लस 5y बराबर 15, तो क्या करते हैं, क्योंकि सेम साइन है भाई, यहां पर मैं लिखा हूं, अगर एक जैसा है तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पे, यहां लिखेंगे, सॉरी यहां लिखेंगे जोड़ने पे, और यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पे, क्या लिखेंगे, घटाने पे। आई बात समझ में, साइन वाला मामला समझ में आ गया, कि अगर साइन पहले जिसको तुम खत्म करना चाहते हो, पहले उसको देखो ना कैसे खत्म होगा। तो अगर एक जैसा साइन है तो घटाएंगे, और डिफरेंट साइन है तो जोड़ेंगे। बात समझ में आया था, चलो उसके आगे का पोर्शन को समझो, आगे का पोर्शन क्या कह रहा है, क्योंकि हमको तो खत्म करना है ना, खत्म करना है तो बराबर तो करना पड़ेगा, खत्म करेंगे तब जब बराबर होगा, बराबर नहीं होगा तो खत्म करके, जब बराबरी में आप आइएगा, किसी को मारने जा रहे हैं आप बराबरी में रहिएगा तब ना मारिएगा, अब रहिएगा नीचे तो कैसे मार पाइएगा, बराबरी में आपको रहना पड़ेगा तब मार पाइएगा, वरना फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। सपोज एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां लेते हैं 2x, एक और समझ लीजिए उसके बाद, प्लस 3y बराबर 9, यहां लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। इस केस में क्या करेंगे, हम लोग समीकरण एक दिया है और समीकरण दो दिया है, तो क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि समीकरण यहां पे देखो, यहां पे तो नहीं कर सकता ना, यहां पे कर सकता है क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहां जब प्लस में तो घटाएंगे, और घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो जो प्लस में होगा क्या हुआ था, माइनस में, माइनस में क्या होता, प्लस में। घटाने पे ये ध्यान रखना कि अगर घटा रहे हैं तो जो माइनस में होगा क्या हो जाएगा, और जो प्लस में होगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहां देखो ये प्लस में है, माइनस, प्लस में है, माइनस, प्लस में है, माइनस। अब इसको तुम, अब बीच वाले सिंबल खत्म हो जाएगा, अब ये खत्म हो सकता है। बात समझ में आया, ठीक। अगर यही रहता यहां पे, मान ली 7x प्लस प्लस 5y इक्वल टू 10, यहां रहता माइनस 7x प्लस 10y इक्वल टू 20, तो क्या करते, तो क्या करते, कि देखो यार यहां पे माइनस है लेकिन जहां कुछ नहीं वहां प्लस है कि नहीं है, तो प्लस माइनस हो गया ना एक जैसा, तो अगर यहां पर अलग अलग हो गया ना, यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ने पर, यहां क्या लिखेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से क्या करेंगे, घटाने पर। बात समझ में आ गया, समझना, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम लोग करेंगे बराबर, यहां तो बराबर हमने करके दिखाया था आपको, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। समझिए आप, समझिए, यहां लिख दिया 9x, यहां लिख दिया, यार 9x मत लिखिए, x लिख दिया, चलिए लड़ाई 5x, x लिख दिया, यहां पर हमने लिखा 9x इक्वल टू, क्या लिख दिया यहां पे,
मान लीजिए 17, हाँ जी 17। यहाँ एग्जाम में क्या, यहाँ एग्जाम में 2x, यहाँ लिख दिया 3x 3y, समय y जाएगा 3y, इसे हट कितना है 15 मान लीजिए। इसमें तब कोई बराबर नहीं है ना, कोई बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, सुनो पहले एग्जाम्पल समझ लें। किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 2000, किसी के पास 400 है, किसी के पास 300 है, बराबर है क्या? नहीं है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें गुना कर दो 300 से, इसमें गुना कर दो 400 से, देखो तो बराबर जा रहा है नहीं बजा। अब ऐसा तुमको लग रहा होगा सर हम जूना की तरह जोड़ भी सकते हैं, भाई एक टर्म है तो तुम जोड़ भी सकता है, यहाँ पे एक टर्म नहीं है, यहाँ पे तीन टर्म है, 1 2 3, तो तुमको तीनों को बदलना पड़ेगा ना, तो गुना करना एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, गुना करेंगे तो बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। तो यहां देखो, अगर हम इसको किसी को एक को बराबर करना चाहते हैं, इसको बराबर करना चाहते हैं या फिर इसको, या फिर इसको किसी को, अगर एक्स वाला वैल्यू बराबर करना है, अगर एक्स वाला वैल्यू बराबर करना है या क्या, टू पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां कितना है 5, पूरे समीकरण में कितना से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, 5 × 10x, 9 × 18y, 17 × 34, 5 × 10x, 5 × 3 = 15y, 15 × 5 = 75। अब यहां देखो क्या है, अब यहां तो तुमको समझा दिया कि देखो अब तो तुम बदल दिया, बराबर कर दिया, तो बराबर करने के बाद देखो तो दोनों का सिंबल सेम है, तो क्या करेंगे, कटेगा ये, क्या लिखेंगे, हटाने पे, क्या लिखेंगे, हटाने पे, जब हटाएंगे तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, क्योंकि साइन चेंज होगा, बीच का सिंबल कहा नहीं खत्म, क्योंकि यहाँ पे क्यों माइनस होगा, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है प्लस, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है प्लस, ठीक है। अभी हो जाएगा खत्म, इसका आगे सॉल्व करना बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, एक बराबर करना मैंने सिखाया, बराबर हो जाएगा, बराबर कैसे करना हो जाएगा, चलो अगर हमको, अगर हमको इसको बराबर नहीं करना, हमारा हमने कहा कि नहीं भाई इसको बराबर नहीं करेंगे, इसको नहीं काटना है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि 9 से गुणा करें, या फिर 3 से गुणा कर दें, या कितना से गुणा कर दें, कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है, क्यों, देखो यहां 9 है, क्या इसमें हम 3 से गुणा कर दें 9 नहीं बन जाएगा, या यहां पर करके अगर हम 3 से यहां गुणा कर दें, या करके यहां 1 से गुणा कर देंगे, 3 × 9, वही तो हमको चाहिए, वही हमको चाहिए। अगर एक देख रहे हैं कि किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा तो एक नंबर का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो दोनों में कर देंगे, या देखो तो दोनों में करके दिखा रहा हूं, ये 5 × 3 = 15x, 9 × 3 = 27y, 17 × 3 = 51। अगर हम इस तरह एक से कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, यहाँ 17 × 17 हो जाएगा, या देखो, या देखो 9 से कर रहे हैं तो 9 × 18 = 18, 9 × 18 = 27, और 15 × 9 कितना होता है, ठीक है, देखो ये बराबर हो गया, काट सकते हैं, क्यों काटेंगे, पहले ये माइनस करेंगे तब काटेंगे, हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, अगर बराबर हो जाता है तो तब साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन करना सिखा दिए, बराबर करना भी आपको सिखा दिए, बराबर अगर है, दिख रहा है कि एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर बराबर हो जाएगा तो एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों में करना पड़े दोनों में करेंगे, ठीक है, दिक्कत याद रखिएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x 7y = 15, यहां लिखा हमने क्या, यहां कितना लिखा हमने, 2x + 2y = 17, तब क्या करेंगे, हमको x y वाला वैल्यू बराबर करना है, y वाला वैल्यू बराबर करना है, समीकरण वाला समीकरण को हमें किससे किससे गुणा करना पड़ेगा, y वाला वैल्यू बराबर करना हमको, बोले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अरे बोका साहब
क्या दिख रहा है तुमको? घटाना जोड़ना तो बात की बात है, पहले देखो तो बराबर तो करो, कोई इसमें बराबर है जिसको घटाने जोड़ने से तुम्हारा काम बन जाएगा? पहले तुम बराबर ना करोगे तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे? हमको वाई वाले वैल्यू परसेंट बराबर करना है इसको। अरे इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, इस वाले को 7 से गुणा करना है, कहानी खत्म। अरे तभी तो बराबर होगा ना, देखो 10x 14y 30, 14x 14y 19। अब तो बराबर हो गया, तब ना तुम साइन चेंज करोगे, बराबर तब ना साइन चेंज करोगे, वो तुमको लिख करके चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस चीजों को। जैसे इसी को मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं, लिखना पड़ेगा समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये साइन क्या है, बराबर है तो घटाना ही पड़ेगा ना, घटाना ही पड़ेगा ना। अब बराबर कर लोगे तुम लोग, हटा लोगे तुम लोग, हो जाएगा। अब लोग अब अपने क्वेश्चन को किया जाए यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ लिखो समीकरण, समीकरण 2 ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर्शन बराबर नहीं है, तो काम करना वाई वाला पोर्शन को बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा बस हम लोग को, क्योंकि साइन जब चेंज है तो खाली वाई को बराबर करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर क्योंकि साइन चाहे अलग है, ठीक है। चलो एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसमें कितना से गुणा करना है हमको? कितना से? 3 से। और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, तो 3x 3y 15, ठीक है। समीकरण 1 से 1 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, तो एक गुना कर दिया, ये आ गया जोड़ने वाला, कहानी कितना है 2x 3y 4, खत्म हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 2 5 कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 15 4 19 ना होगा 19, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 19/5 3x 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हमारा निकल गया ना, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा भाई हमारा? समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। 2 x का वैल्यू कितना है, गुना करोगे कितना होगा 19 2 38/5 -3y, ये गुना में तो जाएगा, प्लस में तो जाएगा, क्या करेगा पांच पांच का 20, कितना होगा ये तो -3y बराबर 20 में से यहाँ पर 8 में से 0 गया तो आप 2 में से 1 -18/5, ठीक है समझो। तो y बराबर निकालना है तो -18/5 इधर गुना में है, इधर क्या करेगा, इधर क्या करेगा भाग करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर गुना कर रहा हूं, देखो तो यहाँ पे y बराबर -18/5 15 तो देखो तो 3 सेकंड हो गए, तो ये -5 खत्म, 3 5 15 3 6 18 y बराबर कितना गया 6/5, ओके कर लीजिए।